हाय फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं आज फ्रूट रायता। तो चलिए फिर, किसी भी आप बिरयानी के साथ और तहरी के साथ और यूं ही खाने पे आप बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छा होता है, यूनिक चीज़ है। चलिए फिर बनाते हैं रायता, अपना फ्रूट रायता। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे पास 250 ग्राम दही है, ये हमने ले लिया है। और फिर अब दही सादी वाली ले रहे हैं, ना खट्टी बहुत होनी चाहिए ना बहुत मीठी होनी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच, ये देखिए चीनी डाल दे रहे हैं, बल्कि 3 चम्मच, ज़्यादा खट्टी नहीं। अगर खट्टी होती तो हमको चीनी इसमें और ऐड करना पड़ता। अब हम इतना डाल रहे हैं, ये देखिए 2-3 पिंच होगा सादा वाला नमक, और 2-3 पिंच है ये देखिए काला नमक, इसको हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च अपनी। और अब चाहे हैंड बीटर से या इलेक्ट्रिक बीटर से, जिससे आप चाहिए, इस दही को अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए बीट कर लीजिए, हमारे पास ये दही वाली मथनी है, हम इसी से इसको बीट कर लेते हैं। अब इसमें जितना भी मसाला हमें डालना था वो डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्रूट्स। तो ये हमारे पास है एप्पल, अब हम इसको कट करके इसमें डालेंगे। अब ये देखिए बीज से, इसका एप्पल का हमने बीज निकाल दिया है और इसको बीज से कट कर दिया है। बस अब हमें इसे चौकोर चौकोर शेप में महीन महीन काट देना, जैसे दानेदार प्याज काटते हैं ना, बस उसी तरह से हमको इसे काट देना है और बारीक काटना है, क्योंकि हमें रायते में डालना है। तो स्लाइस इसकी जो भी हो, ये देखिए बीज निकाला, अब इसमें हम पतली पतली स्लाइस इसकी, दानेदार जैसे प्याज काटते हैं ना, तो प्याज थोड़ा दरदरा होता है, दानेदार होता है, लेकिन हम इसकी स्लाइस को एकदम बारीक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बारीक स्लाइस इसकी काट काट के हम डालेंगे, क्योंकि हमें रायता तैयार करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास है अनार, क्योंकि हम सेब डाल चुके हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अपना आधा अनार। ये देखिए मिला दिया, और अब हम 1 चम्मच से इसको मिला देंगे, क्योंकि जब फ्रूट पड़ता है ना तो थोड़ा फ्रूट अपना पानी छोड़ता है, इसलिए बहुत हमको जो है इसमें पानी नहीं डालने की ज़रूरत है। हमारा गाढ़ा गाढ़ा वो रहेगा, क्योंकि जब इसमें फ्रूट पानी छोड़ेगा तो थोड़ा हल्का अपने आप ही हो जाएगा। ये देखिए बस अब हमारा रायता तैयार है। थोड़ा सा गार्निश के लिए इसमें ग्रीन पत्ती हम डाल दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये लीजिए गाइस, हमारा रायता तैयार हो गया है। अब आप इसको बनाइए और कमेंट्स में हमको बताइए कि ये रायता आपको कैसा लगा। और अगली आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली कौन सी रेसिपी हम डालें, आप क्या देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।